वीडियो देखने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट और फुटबॉल न्यूज के लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी खबर छूट न जाए। तो मैं हमीर और आपका मातिन क्रिक पर मैं बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गए एक और फुटबॉल न्यूज़ वीडियो लेकर। उस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूएफसी एशियन कप 2019 में होने जा रहा है इंडिया वर्सेस बहरीन मैच के बारे में। मैं आपको इस मैच का प्रीव्यू दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से इंडिया इस मैच पर जीत हासिल कर सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों 10 जनवरी यूएई के विरुद्ध हारने के बाद भी इंडिया के पास एक और मौका है हिस्ट्री क्रिएट करने का। 55 साल के बाद एएफसी एशियन कप के नॉकआउट में जा सकता है इंडिया बहरीन को हराकर। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन फुटबॉल में ये मैच वन ऑफ द बिगेस्ट मैच एवर होने वाला है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस बहरीन मैच होगा 14 जनवरी को। दोनों टीमों के लिए मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है नॉकआउट में पहुँचने के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं कि इंडिया वर्सेस बहरीन का क्या हिस्ट्री रहा है फुटबॉल में। तो दोस्तों इससे पहले इंडिया वर्सेस बहरीन टोटल 5 मैच हो चुका है और 5 मैच ही किसी न किसी टूर्नामेंट में खेला गया है, कोई भी फ्रेंडली मैच नहीं हुआ है। और 5 मैचों में से 4 मैच बहरीन ने जीता है और 1 मैच इंडिया ने ड्रॉ किया था 1982 में, जो कि 0-0 के स्कोर पे। और अभी अगर बहरीन की वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो 113 नंबर पर है बहरीन और इंडिया है 97 पर। तो यहां पर इंडिया बहरीन से बहुत आगे है, लेकिन एशियन कप में इंडिया ने बहरीन को एक बार भी नहीं हरा पाया है। टोटल 2 बार मुलाकात हो चुका है बहरीन के साथ इंडिया का एशियन कप में, लेकिन एक बार नहीं हरा पाया। 1986 में एक बार मौका मिला था इंडिया को इनके विरुद्ध खेलने के लिए एशियन कप में, जहां पर इंडिया को बहुत ही बड़ा हार स्वीकार करना पड़ा 3-0 से। उसके बाद दूसरा मुलाकात हुआ था एशियन कप में 2011 में, जहां पर इंडिया को 5-2 से हरा दिया था बहरीन ने। और दोस्तों यहां पर एक और अच्छा बात जो है कि इंडिया ने जो 2 गोल लगाया था 2011 में, वहाँ पर 1 गोल लगाया था सुनील छेत्री ने भी। तो दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको एक और कोइंसिडेंट बता देना चाहता हूं कि उस मैच को खेला गया था 2011 के 14 जनवरी और इस बार भी इस मैच को खेला जाएगा 2019 के 14 जनवरी। तो ठीक 8 साल के बाद एक और मौका है इंडिया के पास हिसाब चुकता करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया बदला जरूर लेगा। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं इस मैच को। तो दोस्तों बहरीन का अगर लास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो फास्ट जो मैच खेला था एएफसी एशियन कप 2019 में वो था यूएवी के खिलाफ, और वहां पर बहरीन ने एक अच्छा परफॉर्मेंस देकर 1-1 से ड्रॉ किया था मैच। उसके बाद सेकंड मैच हुआ था उनका थाईलैंड के विरुद्ध, जहां पर वो हार स्वीकार किया 1-0 से। तो दोस्तों अभी बहरीन के पास 1 पॉइंट है और पॉइंट टेबल के 4 नंबर पोजिशन पर है एक ग्रुप में, तो इनके ऊपर थोड़ा तो अभी दबाव रहेगा। तो बहरीन के लिए ये मैच डू और डाई, करो या मरो। तो दोस्तों आगे जाने के लिए बहरीन को ये मैच जीतना ही होगा, लेकिन अगर इंडिया मैच ड्रॉ भी कर लेता है तो भी चलेगा। तो बहरीन के ऊपर बहुत ही प्रेशर और दबाव है इस मैच पे, और शायद बहरीन ऊपर आकर खेलने की कोशिश करेगा क्योंकि उन्हें गोल दागना ही है मैच जीतने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया के पास मौका होगा, खास करके उदंत सिंह, सुनील छेत्री, आशिक करुनियार और हलीचरण के पास अपना स्पीड और एबिलिटी दिखाने का और इंडिया की तरफ से गोल दागने का। इंडिया के सिर्फ डिफेंस के एरियल में थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैंक से बाहर इनके जो स्ट्राइकर है रोमा ही वो खतरनाक साबित हो सकता है। इंडिया सेंटर जो डिफेंस है वहाँ पर बहुत ही मजबूत है। यूएवी भी उनके सेंटर डिफेंस को तोड़ नहीं पाया था, लेकिन यूएवी का जो फास्ट गोल आया था वो फ्लैंक से ही आया था। मुबारक ने फ्लैंक से इस गोल को क्रिएट किया था और गोल दाग दिया था इंडिया को। तो इंडिया को ज़्यादातर ध्यान अभी अपने फ्लैंक पर देना होगा और एरियल शॉट से बचना होगा, खास करके प्रीतम कोटाल और शुभाशीष को यहां पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडिया के बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है, लास्ट मैच के जैसा ही स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट खेलना पड़ेगा और दोस्तों काउंटर अटैक उनको लगातार करना पड़ेगा इस मैच पे भी, अगर आपको जीतना है तो।
और इसके बाद अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो शायद इनका हेड कोच कॉन्स्टेंटाइन कुछ भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उनको लास्ट मैच के जैसा स्ट्रेटेजी इस मैच पे भी बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए प्लेइंग 11 में भी कुछ चेंज नहीं होगा और हाफ टाइम के बाद सब्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर सकता है कॉन्स्टेंटाइन। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लाइव टेलीकास्ट इंडियन टाइमिंग क्या होगा। तो दोस्तों इंडिया के टाइम के अनुसार रात 9:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। आप इस मैच को ऑनलाइन ऐप हॉटस्टार पर देख सकते हो और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स 3 और स्टार स्पोर्ट्स 2 पर आपको देखने को मिलेगा लाइव मैच। तो दोस्तों इंडिया अपना वन ऑफ द बिगेस्ट मैच एवर खेलने जा रहा है और टीम तो तैयार लग रहा है। क्या आप तैयार है चीयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए टीम इंडिया को? और मैं तो तैयार हूँ, बट मेरा दिल थोड़ा बहुत धक धक कर रहा है, डर भी लग रहा है क्या होगा क्या होगा, लेकिन डर के आगे तो जीत है। क्या कहते हो आप लोग? तो इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले इंडियन फुटबॉल से जुड़े। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।